प्रिया चक्रवर्ती, सुशांत की मौत के मामले में वो किरदार जिस पर शक गहरा और आरोप संगीन है। रिया कहने को सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सुशांत के दिमाग को कमजोर करने की वो साजिश रच रही थी। ऐसे कई खुलासे सामने आए जिसने रिया के इरादों को बेपर्दा किया है, और अब एक और खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के इलाज के लिए एक आध्यात्मिक गुरु से संपर्क किया था और सुशांत की उससे मुलाकात भी कराई थी। यानी जब रिया का काला जादू नहीं चला तो रिया ने आध्यात्मिक गुरु को सुशांत की जिंदगी में एंट्री कराई। चलिए दिखाते हैं आपको टीम रिया की तिलिस्म की ताजा कहानी क्या है। सुशांत के दिमाग पर करना चाहती थी कब्जा, ले रही थी वो तंत्र मंत्र का सहारा। जब नहीं चला काला जादू, स्वाहा स्वाहा, तब आया आध्यात्मिक गुरु। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ नए सवालों को खड़ा कर रही है। सुशांत की मौत की वजह का तो अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सुशांत की मौत के किरदारों का हर दिन पर्दाफाश हो रहा है। टीम रिया का हर दिन भंडाफोड़ हो रहा है, और अब सुशांत की मौत के मामले में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसने इस पेचीदा केस में एक और कड़ी जोड़ दी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के मामले में सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। रिया पर सुशांत के परिवार ने कई संगीन आरोप लगाए हैं, और उनमें से एक आरोप ये भी रहा है कि रिया सुशांत के मन में डर पैदा कर रही थी। रिया सुशांत पर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रही थी, और अब जिस तरह के खुलासे सुशांत मामले में सामने हो रहे हैं वो रिया पर लगे इन आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का इलाज सिर्फ डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि रिया के इशारे पर सुशांत की जिंदगी में एक आध्यात्मिक गुरु की एंट्री भी कराई गई थी। रिया ने सुशांत के डिप्रेशन के इलाज के नाम पर उसकी मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु से कराई थी, जो दावा करता है कि लोगों के हाथ छूकर उनसे मिलकर उन्हें वो ठीक कर देता है। आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत का इलाज कराने के लिए किया था संपर्क। आध्यात्मिक गुरु का नाम मोहन सदाशिव जोशी है। आध्यात्मिक गुरु मोहन जोशी 22 और 23 नवंबर 2019 को सुशांत और रिया से मिले थे। मोहन जोशी ने बताया कि रिया ने उनसे संपर्क किया था और सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी। मोहन जोशी ने यह भी बताया कि 22 नवंबर को उन्होंने सुशांत का इलाज किया था। मोहन जोशी के मुताबिक उसके बाद सुशांत ठीक थे। 23 नवंबर को मोहन जोशी ने सुशांत और रिया के साथ लंच भी किया था। इस खुलासे ने टीम रिया की एक बार फिर पोल खोल दी है। रिया पर लगे ब्लैक मैजिक के आरोपों को लेकर ये बयान भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बता दें कि जिस आध्यात्मिक गुरु के रिया के संपर्क में होने की बात सामने आई है उनको एक्टर की मौत के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी बुलाया गया था। हालांकि 70 साल के मोहन जोशी ने कोरोना का हवाला देकर घर से ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भेजने की बात कही थी। मोहन जोशी के मुताबिक उन्होंने 90% तक सुशांत सिंह राजपूत का इलाज भी कर दिया था, और खुलासा किया कि रिया ने ही उन्हें ढूंढा था और सुशांत का इलाज करने के लिए कहा था। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या सुशांत वास्तव में डिप्रेशन में थे तो इसका उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मोहन जोशी को लोग हीलर के रूप में जानते हैं। ऐसा उनका दावा है कि उन्होंने मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और कर्नाटक के एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी इलाज किया था। अपने इलाज को मोहन जोशी व्हाइट मैजिक कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टीम रिया, जो कि लगातार सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात को उठाती रही है, आखिर डॉक्टर्स की जगह वो एक हीलर का सहारा क्यों ले रहे थे? क्यों रिया
अभिनेता सुशांत की जिंदगी में डर का माहौल पैदा करना चाहती थी। फिलहाल इन सभी सवालों का इंतजार न सिर्फ सुशांत का परिवार बल्कि सारा हिंदुस्तान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।